अनुच्छेद 243 यह नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा, अनुच्छेद 243 यह किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगरपालिकाओं द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा। 243 य का नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, 243 य का एक, नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243 ट में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। 2. इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं के निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। अनुच्छेद 243 य का संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अनुच्छेद 243 य का इस भाग के उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होंगे और किसी संघ राज्य क्षेत्र को उनके लागू होने में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो किसी राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के प्रति निर्देश हों और किसी राज्य के विधानमंडल या विधानसभा के प्रति निर्देश किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिसमें विधानसभा है उस विधानसभा के प्रति निर्देश हों, परंतु राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि इस भाग के उपबंध किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे। अनुच्छेद 243 य का इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। अनुच्छेद 243 य का एक, इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड एक में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और उसके खंड दो में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी। 2. इस भाग की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद के कृत्यों और शक्तियों पर प्रभाव डालती है। 3. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा इस भाग के उपबंधों का विस्तार खंड एक में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसे किसी विधि के अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 243 य का जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 य का एक, प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। 2. राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा निम्नलिखित की बाबत उपबंध कर सकेगा अर्थात क, जिला योजना समितियों का संरचना। ख, वह रीति जिसे ऐसी समितियों में स्थान भरे जाएंगे परंतु ऐसी समिति की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 4/5 सदस्य जिला स्तर पर
पंचायत के और जिले में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे। ग, जिला योजना से संबंधित ऐसे कृत्य जो ऐसी समितियों को समनुदिष्ट किए जाएं। घ, वह रीति जिससे ऐसी समितियों के अध्यक्ष चुने जाएंगे। तीन, प्रत्येक जिला योजना समिति विकास योजना प्रारूप तैयार करने में क निम्नलिखित का ध्यान रखेगी, अर्थात एक, पंचायतों और नगर पालिकाओं के सामान्य हित के विषय जिनके अंतर्गत स्थानिक योजना जल तथा अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बांटना अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है। दो, उपलब्ध वित्तीय या अन्य संसाधनों की मात्रा और प्रकार। ख, ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे। चार, प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष वह विकास योजना जिसकी ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की जाती है राज्य सरकार को भेजेगा। अनुच्छेद 243 य अंग, महानगर योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 य अंग, एक, प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा निम्नलिखित की बाबत उपबंधकन कर सकेगा, अर्थात क, महानगर योजना समितियों की संरचना। ख, वह रीति जिससे ऐसी समितियों में स्थान भरे जाएंगे परंतु ऐसी समिति के कम 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से उस क्षेत्र में नगर पालिकाओं की और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे। ग, ऐसी समितियों में भारत सरकार और राज्य सरकार का तथा ऐसे संगठनों और संस्थाओं का प्रतिनिधित्व जो ऐसी समितियों को समनुदिष्ट कृत्यों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक समझे जाएं। घ, महानगर क्षेत्र के लिए योजना और समन्वय से संबंधित ऐसे कृत्य जो ऐसी समितियों को समनुदिष्ट किए जाएं। अंग, वह रीति जिससे ऐसी समितियों के अध्यक्ष चुने जाएंगे। तीन, प्रत्येक महानगर योजना समिति विकास योजना प्रारूप तैयार करने में का निम्नलिखित का ध्यान रखेगी, अर्थात एक, महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाएं। दो, नगर पालिकाओं और पंचायतों के सामान्य हित के विषय जिनके अंतर्गत उस क्षेत्र की समन्वित स्थानिक योजना जल तथा अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बांटना अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है। तीन, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निश्चित समस्त उद्देश्य की पूर्विकताएं। चार, उन विनिधानों की मात्रा और प्रकृति जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा महानगर क्षेत्र में किए जाने संभाव्य हैं तथा अन्य उपलब्ध वित्तीय या अन्य संसाधन। ख, ऐसी
संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें। चार, प्रत्येक महानगर योजना समिति का अध्यक्ष वह विकास योजना जिसकी ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की जाती है राज्य सरकार को भेजेगा। अनुच्छेद 243 य विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। अनुच्छेद 243 य इस भाग में किसी बात के होते हुए भी संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त नगर पालिकाओं से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध जो इस भाग के उपबंधों से असंगत है जब तक सक्षम विधानमंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पहले हो तब तक प्रवृत्त बना रहेगा। परंतु ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान सभी नगर पालिकाएं यदि उस राज्य की विधानसभा द्वारा या ऐसे राज्य के की दशा में जिसमें विधान परिषद है उस राज्य की विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेंगी।